RFID टेक्नोलॉजी। RFID की फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है जो कि किस पर वर्क करती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पर वर्क करती है या फिर जिन्हें रेडियो वेव्स हम कहते हैं उन पर वर्क करती है। यानी कि इसमें कोई भी वायर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये रेडियो वेव्स को यूज़ लेती है। दिस टेक्नोलॉजी इज यूज टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट्स और ट्रैकिंग द ऑब्जेक्ट्स। ये टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर सकती है ऑब्जेक्ट्स को या ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा। और ये जो ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है, जैसे कि बुक्स हो गई लाइब्रेरी में या फिर व्हीकल्स हो गए एट्सेट्रा। और ना केवल ऑब्जेक्ट्स को बट ऑल्सो ये यूज़ आती है ट्रैक करने के लिए एनिमल्स को भी एंड एज वेल एज बर्ड्स को भी। कुछ एप्लीकेशंस जो है RFID की वो क्या होती हैं, जैसे कि स्कूल्स में, लाइब्रेरीज में यूज़ आती है, हॉस्पिटल्स में यूज़ आती है, कॉलेजेस एट्सेट्रा। ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है एंड जैसा मैंने बताया बर्ड्स एंड एनिमल्स को ट्रैक करने के लिए भी इसका यूज़ लिया जाता है। सिक्योरिटी सिस्टम में इसका मेजर यूज़ जो होता है, RFID टेक्नोलॉजी का मेजर एप्लीकेशन जो होती है सिक्योरिटी सिस्टम होती है। बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स में RFID टेक्नोलॉजी को यूज़ लिया जाता है। तो इट इज़ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ RFID टेक्नोलॉजी विच वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर। एंड इट इज़ यूज टू डिटेक्ट एनी डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। अगर हमने जो प्रोडक्ट खरीदा है किसी मॉल वगैरह में, जब बिलिंग कराते टाइम उसमें जो डिफेक्ट होगा और जो उसकी रेट्स वगैरह होती हैं उसके टैग से, ये RFID डिवाइस जो होती है उसे रीड कर लेती है उसकी टैग से उसकी रेट्स, उस प्रोडक्ट का नाम एंड जो भी उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है या फिर उसमें कोई डिफेक्ट होता है तो वो भी डिटेक्ट किया जाता है इस RFID डिवाइस के द्वारा। द मेजर एप्लीकेशन ऑफ RFID टेक्नोलॉजी इज RFID बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम। हम यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ लेते हुए RFID बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम पढ़ेंगे। दी RFID बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम अलाउज ओनली दी ऑथराइज्ड पीपल टू एंटर अ पर्टिकुलर एरिया। ऑथराइज्ड पीपल आर प्रोवाइडेड विद यूनिक टैग्स यूजिंग विच दे कैन एक्सेस दैट एरिया। मतलब क्या है कि RFID बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम केवल ऑथराइज्ड पीपल को ही अलाउ करता है एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी वाले एरिया में एंटर करने के लिए। कैसे? जो भी ऑथराइज्ड पीपल होंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एक फ्लैट है, हमारे पास एक कॉलोनी है जिसमें काफ़ी सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, तो जो लोग उन फ्लैट्स में रहते होंगे उनको एक यूनिक टैग प्रोवाइड किया जाएगा। यूनिक टैग्स होंगे उनके पास, अपने अपने अलग अलग टैग्स होंगे, सबके पास एक यूनिक टैग्स होंगे जिनको यूज़ लेके वो उस एरिया को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब फ्लैट के एरिया में वो एंटर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? उन टैग्स को यूज़ लेंगे RFID बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम को, उस टैग में उन टैग्स को शो करेंगे एंड जब वो रिकॉग्नाइज कर लेगा सिक्योरिटी सिस्टम कि ये ऑथराइज्ड पीपल हैं क्योंकि इनके पास ऑथराइज्ड टैग है, तो वो अलाउ कर देगा उन लोगों को, उन पीपल को उस एरिया में एंटर करने के लिए। तो ये काम होता है RFID बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम का। RFID बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम जो कि माइक्रो कंट्रोलर पर बेस्ड होता है वो क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करता है? उसमें एक RFID मॉड्यूल होता है, एक LCD मॉड्यूल होता है, एक बजर होता है, एक मोटर एट्सेट्रा, ये सभी चीज़ें यूज़ आती है। यूज़ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ब्रिज रेक्टिफायर हो गया एट्सेट्रा एट्सेट्रा, काफ़ी चीज़ें इसमें यूज़ आती है। लेकिन जो मेजर जो डिवाइसेज हैं यूज़ आने वाले एलिमेंट्स जो है वो उसके मेजर एलिमेंट्स ये हैं। तो RFID बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम जो है ये माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ लेके भी बनाया जा सकता है या फिर ऑर्डिनो को यूज़ लेकर भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर हम माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ लेके बना रहे हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहला होता है RFID रीडर। RFID रीडर को पढ़ने से पहले हमें RFID टैग्स को समझना होगा। RFID टैग्स क्या होते हैं? RFID टैग्स comprises a microchip containing identifying information and an antenna that transmits this data wirelessly to the reader. मतलब RFID टैग क्या होता है? एक ऐसा कार्ड होता है, ये ऐसा टैग होता है जिसमें एक माइक्रोचिप लगी हुई होती है और वो माइक्रोचिप आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन कंजिस्ट करती है। जैसे कि एक जो पर्सन है उसका नाम राम है, तो उसको एक यूनिक टैग दे रखा होगा फ्लैट के एरिया में एंटर करने के लिए और उस यूनिक टैग में एक माइक्रोचिप होगी जो कि इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट करेगी, यानी कि उस पर्सन का नाम और उसके जो उसका जो कोड है RFID कोड जो है वो उस टैग के अंदर होगा और जब वो उस टैग को शो करेगा सिक्योरिटी सिस्टम को तो वो सिक्योरिटी सिस्टम उसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है यानी कि उसका नाम और उसका जो कोड है टैग का वो रिकॉग्नाइज करेगा एंड उसे अलाउ कर देगा उसे एंटर करने के लिए उस एरिया में। तो RFID टैग में क्या होता है? एक माइक्रोचिप होती है एंड ऑल्सो इसमें एक एंटीना होता है जो कि ट्रांसमिट करता है इस आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन डेटा को, वायरलेसली ट्रांसमिट करता है रीडर को। मतलब रीडर किसमें लगा होता है? सिक्योरिटी सिस्टम में लगा होता है। RFID टैग्स तीन तरह के होते हैं।
एक्टिव, पैसिव एंड सेमी एक्टिव। सबसे पहले पैसिव टैग। पैसिव टैग एक कॉमन टैग होता है जो कि एक छोटा सा टैग होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को यूज लेता है, आरएफ वेव्स में जो प्रेजेंट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उसको यूज लेकर ये वर्क करता है, और इसीलिए ये टैग्स को पावर की जरूरत नहीं होती, मतलब बैटरी के द्वारा कोई पावर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती, इसमें किसी भी बैटरी की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनकी लाइफ भी क्या होती है, लॉन्ग होती है। सेकेंड आता है एक्टिव टैग्स। दीज आर इक्विप्ड विद बैटरी। एक्टिव टैग्स बैटरी से जुड़े हुए होते हैं, इनमें बैटरी भी होती है साथ में, और इसलिए बैटरी के होने के कारण इनकी लाइफ जो है वो लिमिटेड होती है। थर्ड वन है सेमी एक्टिव टैग। इनमें इनबिल्ट बैटरी यूज ली जाती है सर्किट को पावर प्रोवाइड करने के लिए। एंड वी आर यूजिंग पैसिव टैग। हम कॉमनली पैसिव टैग्स यूज लेते हैं सबसे ज़्यादा हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में, बिकॉज ये कन्वीनियंट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास RFID रीडर। RFID रीडर एक एक्टिव डिवाइस होता है जो कि यूज में आता है रीड करने के लिए उस इन्फॉर्मेशन को जो कि टैग्स में स्टोर्ड होती है। जो टैग की माइक्रोचिप में इन्फॉर्मेशन स्टोर होएगी, पर्सन की इन्फॉर्मेशन, तो उस इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए RFID रीडर का यूज़ लिया जाता है, और या फिर RFID रीडर जो है ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र भी करता है माइक्रो कंट्रोलर को, वो इन्फॉर्मेशन भेजता है। इसमें क्या होता है, कैंटीना होता है जो कि इंटरनल भी हो सकता है या एक्सटर्नल भी हो सकता है, मतलब वो इंटरनल प्रेजेंट भी हो सकता है या फिर एक्सटर्नल भी लगा हुआ हो सकता है, बाहर भी लगा हुआ हो सकता है RFID रीडर के। और ये एंटीना कंटिन्यूसली रेडियो वेव्स को एमिट करता रहता है ताकि जब वो रेडियो वेव्स RFID टैग से जाकर टकराएंगी तो RFID टैग उन रेडियो वेव्स को रिस्पॉन्ड करेगा, एंड उनके रिस्पॉन्स में वो RFID टैग अपने खुद की जो इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर्ड है वो वापस से रीडर को रिस्पॉन्स में भेजेगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोड, EPC। नेक्स्ट एलिमेंट आता है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर हमारे RFID सिक्योरिटी सिस्टम का CPU है, मतलब यही सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, सारी प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है डेटा के ऊपर। इसके वेरियस फंक्शंस जो होते हैं इस डिवाइस के माइक्रो कंट्रोलर के, जैसे कि रीड करना, जो डिजिटल डेटा आ रहा होता है रीडर से, रीडर जो डेटा सेंड कर रहा होता है उसको रीड करता है ये एक अगर इनवैलिड कार्ड होगा जो कि ऑथोराइज नहीं होगा पर्सन, उसका जो इनवैलिड कार्ड होगा तो इनवैलिड कार्ड को शो करने पर ये बजर को ऑन कर देगा जो कि इंडिकेट करेगा कि कोई चोर वगैरह आ रहा है, मतलब ये पर्सन ऑथराइज्ड नहीं है। या फिर ये टर्न ऑन करता है मोटर को अगर कार्ड वैलिड होता है। अगर कोई ऑथराइज्ड पर्सन शो करेगा अपने वैलिड कार्ड को तो ये मोटर को ऑन कर देगा जिससे कि डोर ओपन हो जाएगा और वो एंटर कर पाएगा उस एरिया में। नेक्स्ट एलिमेंट आता है कंपोनेंट LCD। LCD स्टैंड्स फॉर एज यू ऑल नो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो कि यूज़ में आती है डिस्प्ले करने के लिए अल्फ़ाबेट्स को और साथ ही साथ नंबर्स को स्क्रीन पर। LCD डिस्प्ले का यूज़ लिया जाता है डिस्प्ले करने के लिए कार्ड की डिटेल्स को, यानी कि जैसे ऑथराइज्ड पर्सन का नाम, उसका नंबर, ये सब डिस्प्ले करने के लिए LCD यूज़ ली जाती है। नेक्स्ट मोटर। मोटर का क्या काम होता है कि जब एक कार्ड वैलिड होगा तो मोटर ड्राइवर IC जो एक होती है वो मोटर को ऑन करती है, और मोटर को ऑन होने का मतलब क्या इंडिकेट करता है ये कि डोर ओपन हो रहा है, और एक इनवैलिड कार्ड अगर होगा तो मोटर ऑन नहीं होगी जिससे डोर की ओपनिंग नहीं होगी, डोर क्लोज ही रहेगा। नाउ आती है वर्किंग ऑफ RFID सिक्योरिटी सिस्टम, कि RFID सिक्योरिटी सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ये कंपोनेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। जब सर्किट पावर ऑन किया जाएगा, स्विच ऑन किया जाएगा, तो माइक्रो कंट्रोलर इनिशियली मैसेज डिस्प्ले करेगा LCD स्क्रीन पर दैट शो द कार्ड। शो द कार्ड लिखा हुआ आएगा LCD स्क्रीन पर, वो कौन भेजता है, मतलब कौन सेंड करता है ये मैसेज, माइक्रो कंट्रोलर सेंड करता है। फिर जैसे ही RFID कार्ड शो किया जाता है RFID रीडर को, तो RFID रीडर इस RFID कार्ड के माइक्रोचिप में स्टोर जो आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन है उस पर्सन की, उसको रीड करेगा, एंड उस इन्फॉर्मेशन को रीड करके वो उस डिजिटल इन्फॉर्मेशन को माइक्रो कंट्रोलर को भेज देगा। तो हमारे RFID रीडर ने क्या किया कि जो RFID कार्ड में जो स्टोर्ड नंबर था उसे रीड किया, उस डेटा को रीड किया, एंड उस डेटा में जो नंबर है उसे माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, उस नंबर को माइक्रो कंट्रोलर कंपेयर करेगा उस रिसीव्ड नंबर को एक रेफरेंस नंबर से जो कि ऑलरेडी स्टोर्ड होता है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, और वो नंबर स्टोर किया जाता है एक सूटेबल प्रोग्रामिंग का यूज़ लेकर। तो जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो हमने प्रोग्रामिंग से जो नंबर स्टोर किया है उस नंबर को वो रिसीव्ड नंबर से कंपेयर करेगा। देन कंपेयर करने के बाद अगर रिसीव्ड नंबर मैच कर जाता है स्टोर्ड नंबर से तो माइक्रो कंट्रोलर डिस्प्ले कर देगा कार्ड होल्डर का नंबर एंड नेम LCD स्क्रीन पर, एंड मोटर ड्राइवर IC को वो एक्टिवेट कर देगा जिससे कि इस मोटर ड्राइवर IC को एक्टिवेट करने के कारण मोटर ऑन हो जाएगी एंड डोर ओपन हो जाएगा। वो जो डोर होगा वो एक प्री डिफाइंड टाइम के लिए ही ओपन होता है, एक फिक्स्ड टाइम जो कि हमने माइक्रो कंट्रोलर में स्टोर किया हुआ होता है उसी टाइम के लिए ही, उस प्री डिफाइंड टाइम के लिए ही डोर ओपन होता है, और उस प्री डिफाइंड टाइम के बाद वो डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है।
एंड इफ रिसीव नंबर मैच नहीं होता माइक्रो कंट्रोलर में स्टोर्ड नंबर से, तो माइक्रो कंट्रोलर ओपन नहीं करता डोर को, यानी कि वो एक्टिवेट नहीं करता मोटर ड्राइवर आईसी को, जिससे मोटर नहीं ऑन होती और डोर ओपन नहीं होता, डोर क्लोज ही रहता है। एंड वो ऑल्सो शो कर देता है एलसीडी स्क्रीन पर मैसेज एक्सेस डिनाइड या फिर इनवैलिड कार्ड एटसेट्रा, ये मैसेज शो कर देता है एलसीडी स्क्रीन पर, जिससे कि पता चल जाता है कि वो कार्ड इनवैलिड है। एक सूटेबल प्रोग्रामिंग से हम माइक्रो कंट्रोलर में वो कोड जो है वो फीड करेंगे, तो उसके लिए जो प्रोग्रामिंग है वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको देखनी हो तो वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इसे एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल फॉर मोर अपलोड्स।